हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको जनरल एनेस्थेटिक यानी उसका क्लासिफिकेशन कि जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन कैसे लिखते हैं और उसमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं। अगर उसके डिफिनेशन की बात करते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक सिंपली अगर आप लिखते हैं जनरल एनेस्थेटिक आर एजेंट विच प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सो एज टू एनेबल सर्जिकल ऑपरेशन टू बी कैरीड आउट। तो आप जैसे कोई भी जनरल एनेस्थेटिक लेते हैं या किसी भी बॉडी में देते हैं तो उसके पेन को ये ख़त्म कर देता है, जिससे जो भी सर्जरी या ऑपरेशन होता है तो उसकी वजह से कोई भी पेन नहीं होता है। तो आप जनरल एनेस्थेटिक आज हम बताएंगे कि वो किस प्रकार से आपको याद करना है और कैसे लिखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है उसका जनरल एनेस्थेटिक का फ्लो चार्ट। तो इसका ये क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक, तो इसका सबसे पहले हेडिंग होता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक। तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे एक पार्ट हो गया इनहेलेशन एनेस्थेटिक, दूसरा अभी हम बताएंगे। तो इनहेलेशन के कुछ सब हेडिंग होते हैं, जैसे वोलेटाइल लिक्विड, तो इसमें आता है ईथर, हेलोथेन, इन्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन। तो ये हो गए इसके वोलेटाइल लिक्विड, यानी ये वो एजेंट हैं जिन्हें हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें जो बॉडी का पेन होता है वो पूरी फुल बॉडी हमारी पेनलेस हो जाती है, जैसे कोई भी कुछ भी करेंगे, कट लगाएंगे या सुई लगाएंगे तो इससे दर्द नहीं होगा। तो ये जनरल एनेस्थेटिक बहुत ही सिंपल लेशन है, पार्ट है जो हमें याद करने में बहुत ही इजी है। सबसे अच्छा पार्ट हमें लगा जनरल एनेस्थेटिक याद करने में। तो और इसकी अगले हेडिंग की बात करते हैं, इसमें ये हो गया आईवी, दूसरा हो गया जैसे और इसी का इन्हेलेशन में एनेस्थेटिक वोलेटाइल हो गया, और ये गैसेस आता है। तो गैसेस में जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वैसे होती है जैसे गैस, उसे सुंघा देते हैं तो उससे कुछ बेहोशी हो जाती है, तो ये गैस तरीके से होती है जैसे। और जब दूसरा होता है आईवी एनेस्थेटिक यानी इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट, तो यानी इसे नॉन वोलेटाइल एनेस्थेटिक भी कहते हैं। तो इसमें जो आएंगे जैसे थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमीडेट, बेंजोडाइजिपिन्स, केटामाइन। तो ये हो गया आईवी जो इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं हमारी बॉडी में। और जैसे वोलेटाइल ईथर, जैसे हमने कोई खाद जैसे मुंह के द्वारा हम जैसे ले लेते हैं, वो हो गया इसमें वोलेटाइल में। और नॉन वोलेटाइल में वो एजेंट आते हैं जो हमें इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसे आईवी एनेस्थेटिक या इंट्रावीनस एनेस्थेटिक कहते हैं। तो ये हो गई अलग ड्रग हमारी आईवी एनेस्थेटिक, और ये हो गई नॉन वोलेटाइल यानी इनहेलेशन एनेस्थेटिक। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग हैं, तो बहुत ही इजी हैं इसका। अगर ये जैसे एग्ज़ाम में आता है कि कोई भी एक जनरल एनेस्थेटिक की परिभाषा लिखें, उसके बारे में लिखें और उसका क्लासिफिकेशन और किसी एक या दो ड्रग को डिफ़ाइन करें। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात इसमें है, कुछ भी नहीं इसे ड्रग को डिफ़ाइन करने में है, और हम आपको बता रहे हैं। अगर जैसे कोई भी ड्रग डिफ़ाइन करने को कहता है तो आप हेलोथेन ले लीजिए, जैसे कोई एक भी एग्जांपल, जैसे सारे ड्रग को इसी प्रकार से डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले हेलोथेन लिखा, उसका हेडिंग डाला, फिर उस हेलोथेन के बारे में बता दिया कि ये वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है। अगर ये वोलेटाइल है जैसे कैटेगरी उसकी लिख दी, और उसका जैसे किस फॉर्म में वो होता है तो वो ये लिख दिया। फिर अगला हेडिंग डालेंगे एडवांटेज, यानी इसके इसे देने से बॉडी में क्या एडवांटेज आते हैं, और इसके डिसएडवांटेज लिख देंगे। लगभग 8-10 पॉइंट एडवांटेज के लिखना है, और आपको डिसएडवांटेज के 8-10 पॉइंट लिखना है, यानी उसकी उससे देने से फ़ायदे क्या हैं और उससे देने से हानि क्या हैं। तो ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो सिंपली जितनी भी उसमें है, जैसे ईथर है, ईथर का हेडिंग डाल एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिया आपने, और अगर हेलोथेन तो हो गया, और इन्फ्लुरेन, तो इसी प्रकार से सभी हैं। जैसे बेंजोडाइजिपिन्स है, उसका भी आपको ऐसे ही लिखना है कि एडवांटेज लिख देना है, डिसएडवांटेज लिख देना है। प्रोपोफॉल तो ऐसे ही उसका, जैसे प्रोपोफॉल किस कैटेगरी का है ये बताना है आपको, जैसे नॉन वोलेटाइल हो गया तो वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, और इसे इंट्रावीनस यानी इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, और ये
ये लिक्विड फॉर्म में होता है जी, यही सब बताना है और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर लिखना है, बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और एग्ज़ाम के लिए ये सभी तैयार करें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फार्मेसी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा सारी की सारी वीडियो देखें।